इस पूरे परिवेश में, पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ी जो 70 से 75, भारत जो है एक गांव प्रधान देश है और 70% जनता किसान है वहाँ के, उनका एक अगर आज 1950 की बात हम करते हैं तो अगर 1950 में किसान 1 रुपया कमाता था तो आज उसकी आमदनी जो है 21% बढ़ी है, 2020 की बात कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देने बात है। और यदि हम यही टीचर्स की बात करते हैं तो टीचर्स और जो सरकारी कर्मचारी है इनकी जो है तनख्वाह कितनी बढ़ी है, 200 गुना टीचर जो है 200 गुना बढ़ गया और किसान 21 गुना बढ़ा, और सरकारी अधिकारी कितने बढ़े, 180%। तो क्या अगर इन्हीं लोगों का 21% आप वृद्धि कर दोगे तो जिस तरीके से किसान मर रहा है ये लोग नहीं मरेंगे? तो इस पर ध्यान देना चाहिए। सरकार ने पहले पक्ष रखा है, उठाया है, और जो समस्याएं हैं कि अगर किसान अगर अपना गेहूं बोता है वो 1800 रुपये में बेचता है और उसके बाद जब उसको ज़रूरत पड़ती है तो वो 30 रुपये का खरीदता है, ये कौन सा न्याय है? सिर्फ इस पर कि कम से कम ये डिसाइड हो जाए कि MSP न्यूनतम MSP सरकार इतना देगी, फिर वो कहीं भी मंडी में बेचे कहीं भी बेचे। तो ये थोड़ा टेक्निकल है लेकिन किसानों के हित को ध्यान में मोदी सरकार भी निश्चित तौर पर रखेगी और जो हित होगा किसानों का उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। लेकिन अड़ियल रवैया चाहे सरकार का हो चाहे इनका हो, दोनों खराब है। अब फिल्म के माध्यम से हमने अपनी बात रखी है। आज कोरोना की महामारी में 3% GDP जो बढ़ाई है वो किसानों ने बढ़ाई है, आपको ये पता है? 3% मतलब 24 की 27 अगर की गई है तो ये किसानों की वजह से हुई है। ऐसे समय पे अगर हमारे अन्नदाता ने हमारी रक्षा की है, पूरा देश महामारी में गुजर रहा था लेकिन उस समय किसानों ने किया है, तो किसानों को भी कुछ मिलना चाहिए, उसका रिवार्ड मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो हमारा ये है कि हम फिल्म के माध्यम से जो किसानों की मौलिक आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए सरकार को क्या क्या कदम उठाना चाहिए इसको भी दर्शाने का प्रयास करेंगे। पराग पाटिल ऐसे सब्जेक्ट उठाते हैं, ज्वलंत सब्जेक्ट उठाते हैं जिससे समाज का हित हो, देश का हित हो और हमारे किसानों का हित हो, हमारे सैनिक जो देश की सीमा में लगे हुए हैं उनका हित हो, उनके बच्चों को स्टडी के लिए जितनी भी ज़रूरतें हैं वो मिले, इन सब के लिए हमारी टीम जो है जो PPP कहलाती है उस पर उठाने का प्रयास करती है और उसका सॉल्यूशन भी ढूंढती है। दर्शकों के लिए पराग जी कहेंगे? दर्शकों के लिए यही कहूँगा कि जैसे आप लोगों ने केसारी जी के सारे मूवीज़ को, सारे उनके काम को प्यार दिया है, मेरे काम को प्यार दिया है, बाबा मोशंस को प्यार दिया है, वैसे आप लोग लिट्टी चोखा को भी प्यार दे और यकीनन आपको बहुत ही हेल्दी, बहुत ही साफ़ सुथरा और बहुत ही अच्छा सिनेमा लिट्टी चोखा के ज़रिए देखने को मिलेगा। ये मनोरंजन जो है, मनोरंजक के हिसाब तरीके से देखिए, आपको लिट्टी चोखा में ऐसा आएगा कि आपके खुद घर की कहानी है, आपकी व्यक्तिगत कहानी है, इसके साथ आप जुड़ेंगे तो देखिएगा कि हर किसान की वो कहानी है, हर किसान यहाँ पर कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कर्जे से जुड़ा हुआ है, कर्जे में दबा हुआ है, तो ये कहानी उसी भोले भाले किसान की है। आप देखिए और ज़्यादातर लोगों को सिनेमा थिएटर पे बजाइए। एक मेरा ये भी कहना है कि ज़्यादातर मल्टीप्लेक्स में ये अनिवार्य होना चाहिए कि एक भोजपुरी फिल्म या रीजनल फिल्म, उनके लिए एक सिस्टम होना चाहिए कि उनको वहाँ पर जगह मिले, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। और थिएटर क्योंकि कम हो रहे हैं, मनोरंजन कम हो रहा है, अगर हम थिएटर की भी अपील करते हैं कि अगर थिएटरों का भी पुनरुत्थान हो तो इससे सिनेमा को बहुत बड़ा सिंबल मिलेगा, ताकत मिलेगी। अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ बीच में आपकी बात, तो जो उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी आदित्यनाथ जी ने फिल्म इंडस्ट्री को पावर दी है, प्रोड्यूसर को पावर दी है और फिल्म बंधु के माध्यम से जिस तरीके से उन्होंने प्रोड्यूसर को जीवन देने की प्रयास किया है, उनके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और हमेशा यही चाहते हैं कि इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में फिल्म बनती रहे, उनका व्यवसाय बढ़ता रहे और लोग जो है थिएटर तक जाएं, हम लोग भी अच्छी और स्वस्थ फिल्म देने का प्रयास करेंगे।